अलवर के वार्ड नंबर 57 में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं का एक दल पार्षद शीला जांगिर के नेतृत्व में जलदाय विभाग पहुंचा और XAN के समक्ष अपनी पेयजल समस्या को रखा। इस दौरान पार्षद शीला जांगिर ने बताया कि वार्ड में क्षेत्र में यूं तो कई वर्षों से पेयजल का संकट है, इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया और उसके लिए धरना प्रदर्शन रोड जाम भी कई बार किए गए हैं, लेकिन किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई ठोस समाधान किया। उन्होंने बताया कि उनके रामनगर क्षेत्र में अमृत जल योजना के कनेक्शन व पैसे जमा हुए करीबन 3 साल हो गए हैं, पाइपलाइन डल चुकी है लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। महिलाओं का सारा समय दूसरे वार्ड क्षेत्रों से टैंकरों से पानी लाने में ही गुजर जाता है। पूर्व में भी कई बार क्षेत्र में बोरिंग के लिए ज्ञापन दिया गया है लेकिन जिम्मेदारी अभी तक भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज क्षेत्र की महिलाओं का एक दल जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से मिला और अपने वार्ड क्षेत्र की पानी की समस्या से उनको अवगत कराया और साथ ही बोरिंग की मांग भी की गई है, लेकिन इस बार भी जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही पानी देने का आश्वासन देकर उनको वापस कर दिया। क्या नाम है, कौन से वार्ड से हैं, क्या समस्या है ये? मैं वार्ड नंबर 57 से हूँ, पार्षद शीला जांगिर। पानी के विभिन्न समस्याओं को लेकर मैं जलदाय विभाग में आई हूँ तो XAN साहब के सामने अनेकों समस्याएं रखी हैं और उन्होंने समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। कितने समय से पानी नहीं आ रहा? पानी मेरे ये अमृत योजना का मैटर है, रामनगर कॉलोनी, और वहाँ मैंने पाइपलाइन तो डलवा दी थी और पाइपलाइन डल गई, कनेक्शन हो गए, लेकिन 3 साल से पानी नहीं आ रहा वहाँ पर। तो मैं आपके माध्यम से PHD जलदाय विभाग से इनके लिए एक बोर की मांग करना चाहती हूँ। अभी XAN साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? XAN साहब ने यह आश्वासन दिया है कि आप लेटर बना के दे जाओ, मैं इनका बोर पास करवा दूंगा।